मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीचंद हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की इसरा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद में। आज मैं यहाँ पर मोहम्मदी हॉस्पिटल में आई हुई हूँ एक वर्कशॉप करवाने के लिए ऑन सेफ हिस्टेक्टॉमी। और आज आने का मकसद ये है कि मैं अपनी जूनियर कलीग्स को जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हैं उनको बताऊं कि वो क्या सिंपल बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो ये ऑब्जर्व करें ये सर्जरीज परफॉर्म करते हुए, ताकि इन औरतों को मसाने में कोई इंजरी ना आए और वो विजायको विजाइनल फिस्टुला जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मसाने में सुराख हो जाता है और ये औरतें हर वक्त पेशाब बहता रहता है। तो आने का मकसद ये है कि हम उनको वो बातें बताएं जिनसे ये इंजरीज प्रिवेंट हो सकती हैं और औरतें विजायको विजाइनल फिस्टुला डेवलप होने से बच सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर कमर हबीब है और मैं इंचार्ज हूँ गायनी डिपार्टमेंट मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में। ये जो आज ऑर्गेनाइज़ किया है हमने प्रोग्राम, ये हमारी बहुत ही सीनियर टीचर, हमारी बहुत रेस्पेक्टेबल टीचर मैडम पुष्पा श्रीचंद के तावन से यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया। और ख़ास तौर पे इसका मकसद ये था कि जूनियर डॉक्टर्स को हम ये अवेयरनेस दें कि अगर सर्जरी करते हुए या बच्चेदानी का ऑपरेशन करते हुए कोई कॉम्प्लिकेशंस हों तो उनको कैसे अवॉइड किया जाए, और अगर होती हैं तो फिर उनको कैसे ट्रीट किया जाए। तो क्योंकि ये जो वज़ायको वजाइनल फिस्टुला है ये हमारी पेरिफेरीज में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये एक ऐसी कंडीशन है जो किसी भी फीमेल की लाइफ को बहुत ज़्यादा मिजरेबल कर देती है। तो इसकी ये, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके होने से रोक सकते हैं। अगर एक्सपर्टाइज है सर्जरी करते हुए तो ये चीज़ें जो है वो रोकी जा सकती हैं। तो इस सिलसिले में आज ये वर्कशॉप अरेंज किया गया था और बहुत अच्छी मैडम ने हमें और हमारी बाकी सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है और इंशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। बहुत शुक्रिया।